और इनकम फ्रॉम सैलरी के सारे बेसिक्स आपके इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे तो so, लास्ट तक बने रहे और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बिकॉज इस चैनल पे आपको अकाउंटेंसी कॉस्टिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे लास्ट मिनट रिवीजन वीडियोस सारे कंसेप्चुअल वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अबाउट इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 15 टू सेक्शन 17 सबसे पहले हम हेड्स ऑफ इनकम के बारे में बात करेंगे अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स में एक रेगुलेटरी बॉडी है तो जो डायरेक्ट टैक्स को गवर्न करता है दैट इज कॉल्ड एज सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस नाउ देर आर फाइव हेड्स ऑफ इनकम मतलब एक पर्सन पांच हेड्स से पैसे अर्न कर सकता है कौन से कौन से हेड्स है वही हमारे चैप्टर्स है ठीक है सबसे पहला हमारा चैप्टर है इनकम फ्रॉम सैलरी तो पांच हेड्स हमें कवर करने हैं फर्स्ट इज इनकम फ्रॉम सैलरी The second head is income from house property Agar aap ek ghar loge, a ghar ko rent ko, rent house, to whatever income you are going to earn from that will be considered as your income from house property. If you have your business, if you have your profession, so whatever income you are going to earn from that business or profession will be taxable under the head profits and gains from business or profession. Then the next point comes. If you have a capital asset and if you are selling that capital asset, which is also called as transferring the capital asset, so there arises two types of gains, which is called as long term capital gain and short term capital gain. So ye hum capital gain ke chapter mein padhenge Further aapka ek aisa head hota hai जो ये चारों heads में taxable नहीं है and वो आपका income है, तो उसके लिए एक अलग से head बनाया गया and that अलग से head is called as income from other sources. इफ़ यू हैव अर्न सम इनकम फ्रॉम लॉटरी प्राइज अगर आप लॉटरी से कुछ पैसे जीते हो अगर आप इंटरेस्ट से कुछ पैसे अर्न आपने किए हैं अगर आपने डिविडेंड से कुछ पैसे अर्न किए हैं तो ये सारी सारी चीजें जो भी है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर अ सेपरेट हेड कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो दीज आर द फाइव हेड्स ऑफ इनकम जब भी डायरेक्ट टैक्स का पॉइंट अराइज होता तो डायरेक्ट टैक्स में हम ये पाँच हेड्स ऑफ इनकम के ऊपर ही हमेशा बातें करेंगे ठीक है आज हम अभी शुरू करने वाले हैं सैलरी के बारे में तो सैलरी में सबसे इंपॉर्टेंट हम एक इनकम को सैलरी इनकम कब मानेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर शुड बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप और मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप अगर एक पर्सन एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय होगा एंड ऑर्गेनाइजेशन विल बी एम्प्लॉयर और प्रोवाइडिंग द वैल्यूएबल सर्विसज दी एम्प्लॉय इज गेटिंग मॉनिटरी कंसिडरेशन एंड दैट मॉनिटरी कंसिडरेशन इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम सैलरी तो आपको सबसे पहले यही याद रखना है कि इनकम फ्रॉम सैलरी कब होगा जब एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा या मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप होगा तो सेकेंड पॉइंट है हमारा अगर हम जो पॉइंट uh, देखें कि जो डायरेक्टर्स होते हैं डायरेक्टर्स अगर कंपनी के डायरेक्टर्स है तो उनको जो सैलरी मिलेगी वो उनको जो रेमुनरेशन मिलेगा वो सैलरी इनकम में आएगा लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि वो नॉन एम्प्लॉयी है उस कंपनी के वो डायरेक्टर्स तो है लेकिन वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है मतलब बाहर से डायरेक्टर्स आएंगे ऐसे भी हो सकता है दे आर द नॉन एम्प्लॉय तो नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर्स को जो भी रेमुनरेशन मिलेगा दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल लेकिन वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में टैक्सेबल हो जाएगा और हमारा तीसरा पॉइंट है जो भी पार्टनरशिप फर्म होता है पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स को जो भी सैलरी मिलती है वो पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स होंगे उनको जितनी भी सैलरी मिलेगी वो प्रॉफिट्स एंड गेंस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के हेड में कवर होगी एंड दैट इज एज पर सेक्शन फोर्टी बी उसे इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं माना जाएगा तो यही आपको बेसिक्स याद रखने हैं इनकम फ्रॉम सैलरी में सबसे पहला कंडीशन बोलता है कि देर शुड बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप और मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे सबसे पहले इस पूरे चैप्टर में तीन सेक्शन कवर है सेक्शन फिफ्टीन सेक्शन सिक्सटीन एंड सेक्शन सेवनटीन हम एक एक करके सारे सेक्शन पढ़ेंगे सबसे पहला सेक्शन है आपका दैट इज कॉल्ड सेक्शन फिफ्टीन चार्जेबिलिटी सेक्शन चार्जेबिलिटी सेक्शन मतलब सैलरी कौन से बेसिस पे टैक्सेबल होगी तो सैलरी विल बी टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू बेसिस मतलब सैलरी ड्यू हुई है लेकिन आपको मिली नहीं अगर सैलरी ड्यू हुई आपको मिली नहीं तो भी वो टैक्सेबल होगी या अगर आपको सैलरी रिसिव हुई है तो भी वो टैक्सीबल होगी लेकिन गवर्नमेंट ने कहा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि सेक्शन 15 क्या कहना चाहता है सेक्शन 15 यही कहना चाहता है कि सैलरी विल बी टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू बेसिस और रिसिड बेसिस विच एवर इस अर्लियर तो जो भी आपका अर्लियर आएगा मतलब अगर सैलरी ड्यू बेसिस का एक डेट है आपके पास और अर्लियर रिसिड बेसिस का मतलब आपको समझो ड्यू हुई सैलरी फर्स्ट अप्रैल को ठीक है ड्यू हुई फर्स्ट अप्रैल को और आपको इन हैंड मिली है फिफ्टींथ अप्रैल को तो एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इट इज सेट दैट फर्स्ट अप्रैल हम कंसिडर करेंगे कि फिफ्टीन अप्रैल हम कंसिडर करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेंगे ठीक है तो ये आपको याद रखना है सेक्शन काफी छोटा सा सेक्शन है ऑल द रूल्स ऑल द रेगुलेशन ऑल द प्रोविजन रिलेटेड टू इनकम फ्रॉम सैलरी इज द चार्जेबिलिटी सेक्शन मतलब कैसा है कि सैलरी कब टैक्सेबल होगा तो सैलरी ड्यू बेसिस पे या रिसीड बेसिस पे एवर इज अर्लियर बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगा अगले पॉइंट में जाते हैं अभी हम कुछ बेसिक सैलरी का पढ़ेंगे देखो सैलरी चैप्टर में दो टाइप के क्वेश्चंस आपको बार बार पूछे जाते हैं एक होता है हमारा बेसिक ग्रॉस सैलरी और एक होता है हमारा नेट सैलरी ठीक है एक होता है ग्रॉस सैलरी और एक होता है नेट सैलरी देखो सैलरी में बहुत सारे फैसिलिटीज बहुत सारे अलाउंसेस एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी के साथ साथ बहुत सारे अलाउंसेस देता है जैसे डी आर अलाउंस जैसे कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस कन्वेंस अलाउंस देर आर एन नंबर ऑफ अलाउंसेस एंड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स टू हिज एम्प्लॉय और काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ भी देता है तो इनकम टैक्स में उसी फैसिलिटीज़ को हम पर्कविजिट्स के नाम से जानते हैं तो ग्रॉस सैलरी का मतलब होता है जितनी भी अलाउंसेस जितने भी फैसिलिटीज़ एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है सारे के सारे पॉइंट्स को हम ऐड जब करते हैं तो हमें मिलता है ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी का मतलब होता है जब हम ये ग्रॉस सैलरी से कुछ डिडक्शंस को माइनस करते हैं तो देर आर सर्टन डिडक्शंस इन दिस चैप्टर दैट इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन सिक्सटीन तो वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं तो ग्रॉस सैलरी क्या होता है ग्रॉस सैलरी सारे के सारे जो अलाउंसेसिलिटीज है सारे के सारे के जो फैसिलिटीज है जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है वो सारे पॉइंट्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा ग्रॉस सैलरी और उसमें से अगर हम डिडक्शंस को माइनस करेंगे 16 सेक्शन में कवर होंगे तो हमें मिलेगा नेट सैलरी ठीक है अभी हम ये बात करेंगे कि सैलरी में क्या क्या कवर होता है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया सैलरी इंक्लूड्स फॉर सैलरी इंक्लूड्स बेसिक सैलरी सैलरी इंक्लूड the वेरियस टैप्स ऑफ allowances प्रोवाइडेड by the कंपनी सैलरी इंक्लूड द पर perquisites का मतलब क्या होता है पर का मतलब होता है फैसिलिटीज मिलेंगी तो फैसिलिटीज मिलेगा एम्प्लॉयर जैसे कि कार की फैसिलिटी uh, दी घर की फैसिलिटी दी घर का रेंट कंपनी भर रहा है मोबाइल का बिल कंपनी भर रहा है घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल या गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई का बिल कंपनी पेमेंट कर रहा है ये सारे फैसिलिटीज होंगे और प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी का यहाँ मतलब होता है कि जो भी आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं तो एन नंबर ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड जैसे कि पेंशन की बात कर सकते हैं हम जैसे कि ग्रेचुअलिटी मिलती है रिटायरमेंट के बाद वो सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाएगी ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हम अभी सेक्शन 16 में जाएंगे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट सेक्शन सिक्सटीन कवर्स द डिडक्शंस देखो हमने एग्जामेशन्स और डिडक्शंस के बारे में भी पढ़ा था तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये अभी जो सेक्शन सिक्सटीन का डिडक्शंस है ये सेक्शन सिक्सटीन का डिडक्शन इंटरनल डिडक्शन होगा और ये सिर्फ इसी चैप्टर को रिलेट करेगा दैट इज़ जो भी आपके इनकम फ्रॉम सैलरी में आएंगे उसी के लिए ये स्पेसिफिक डिडक्शन है ठीक है तो सबसे पहले सेक्शन सिक्सटीन क्या कहना चाहता है सेक्शन सिक्सटीन आपको डिडक्शन देता है ग्रॉस सैलरी में से मैंने अभी आपको बताया ग्रॉस सैलरी में से हम कुछ डिडक्शन को माइनस करते हैं तो जो भी डिडक्शन हम माइनस करने वाले हैं उसमें से सबसे पहला डिडक्शन है सेक्शन सिक्सटीन वन तो सेक्शन सिक्सटीन सेक्शन वन का आपका डिडक्शन है कौन सा डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन कौन सा डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको याद रखना है ग्रॉस सैलरी की जो भी अमाउंट रहेगी वो या फिर डायरेक्टली आपको एक अमाउंट दे रखा है फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड जो है ना दैट इज द लिमिट तो मतलब एक तो आपके ग्रॉस सैलरी की अमाउंट देखी जाएगी या एक तो आपका जो फिफ्टी थाउजेंड का लिमिट डिसाइड किया है वो देखा जाएगा और विच एवर इज लेस अगर आपकी ग्रॉस सैलरी आई दो लाख तो आपको दो लाख डिडक्शन नहीं मिलेगा हमारा दूसरा रूल क्या है फिफ्टी तो ग्रॉस सैलरी या फिर फिफ्टी थाउजेंड एवर इज लेस का कंसेप्ट फॉलो किया जाएगा तो पहला डिडक्शन कौन सा है स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन कौन सा है 16 सब सेक्शन वन तो क्या रूल कहता है ग्रॉस सैलरी की अमाउंट या फिर 50000 विच एवर इज लेस दूसरे डिडक्शन में जाते हैं दूसरा डिडक्शन है एंटरटेनमेंट अलाउंस ये जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है ये कौन से सेक्शन में कवर होता है 16 सब सेक्शन टू लेकिन ये जो एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन है ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलता है ये आपको ध्यान रखना है डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस इज ओनली रिसीव्ड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉई प्राइवेट एम्प्लॉ के नॉट क्लेम दिस काइंड ऑफ डिडक्शन इसके लिए रूल है डिडक्शन के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है रूल नंबर वन एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड रूल नंबर टू वन फिफ्थ ऑफ बेसिक सैलरी तो आपको बेसिक सैलरी का वन फिफ्थ ढूंढना पड़ेगा और रूल नंबर थ्री जो है दैट इज मैक्सिमम लिमिट जो है फाइव थाउजेंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मतलब मैक्सिमम आपको डिडक्शन 5000 मिलेगा उससे ज़्यादा कोई भी डिडक्शंस आपको नहीं मिलेगा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पॉइंट को हम कंपेयर करेंगे एंड विच एवर विल बी द स्मॉलेस्ट अमाउंट विच एवर विल बी द लेस लेसर अमाउंट ये तीनों में से जो छोटा अमाउंट रहेगा उसे हम कंसिडर करेंगे एंड दैट विल बी कंसिडर एज डिडक्शन ठीक है सो एंटरटेनमेंट अलाउंस किसे मिलता है सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा किस बेसिस पे तीन रूल्स के बेसिस पे नंबर वन एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव नंबर सेकेंड वन फिफ्थ ऑफ बेसिक सैलरी एंड नंबर थर्ड मैक्सिमम लिमिट रुपीज फाइव थाउजेंड विच एवर इज लेस विल बी डिडक्टेड फर्दर आगे बढ़ते हैं तीसरा डिडक्शन तो so, तीसरा डिडक्शन जो है दैट इज कॉल्ड एस प्रोफेशन टैक्स तो ये जो प्रोफेशन टैक्स का डिडक्शन है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट एम्प्लॉय दोनों को मिलता है जैसी सैलरी होगी उसके बेसिस पे डिडक्शन मिलेगा कभी वन सेवेंटी फाइव रुपीज डिडक्ट होता है मतलब जो हम एम्प्लॉयमेंट जो हमारे एम्प्लॉयर ने हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की है उसके बेसिस पे डिडक्शन होगा मतलब ये टैक्स हमारा एम्प्लॉयर हमारे सैलरी से काट लेगा और उतना गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा दैट इज कॉल्ड एज टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट ठीक है तो ये सभी के सैलरी से कटेगा प्राइवेट एम्प्लॉय हो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो वी हैव कवर्ड नाउ टू सेक्शंस सेक्शन फिफ्टीन इज द चार्जेबिलिटी सेक्शन सेक्शन सिक्सटीन इज द डिडक्शन लेट मूव फर्दर फॉर्मेट है ये format मैंने आपको दिया है देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले हम सारे के सारे पॉइंट्स लिखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी पॉइंट्स है सैलरी को रिलेटेड वो सब हम लिखेंगे अब ये सभी पॉइंट्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा ग्रॉस सैलरी ग्रॉस सैलरी में से हम क्या करते हैं ग्रॉस सैलरी में से हम डिडक्शंस को माइनस करते हैं डिडक्शंस कौन से अंडर सेक्शन 16 हमने अभी पढ़ा तीन डिडक्शन पहले नंबर पे आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन दूसरे नंबर पे आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड तीसरे नंबर पे आता है प्रोफेशन टैक्स ये तीनों डिडक्शंस को हम लेंगे और ग्रॉस सैलरी में से ये तीनों डिडक्शंस को क्या करेंगे हम लेस करेंगे अगर लेस करेंगे तो फाइनल हमें आंसर मिलेगा एंड दैट फाइनल आंसर इज कॉल्ड एज इनकम फ्रम सैलरीज दिस इज दिट फॉर यूर चैप्टर इनकम आगे बढ़ते हैं अब सेक्शन टेन टेन के बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेंगे बिकॉज ऐसे कुछ अलाउंसेस uh, है ऐसे कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स है जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है तो उसमें से सबसे पहला आता है ग्रेचुअटी ग्रेचुअटी का मतलब होता है जब कोई भी बंदा रिटायर्ड हो जाता है तो रिटायरमेंट के बाद उसको लमसम अमाउंट दी जाती है फ्रॉम द कंपनी एंड इट इज़ कवर्ड एज पर ग्रेचुअटीज पेमेंट एक्ट 1972 सेवेंटी टू तो मॉनिटरी कंसिडरेशन पैसा मिलता है कि इतने साल उसने कंपनी में सर्विस दिया इसके बदले में कंपनी अपने एम्प्लॉय को उसके बदले में जो पैसे देगी रिटायरमेंट के बाद ही मिलेंगे तो अभी उसको हम क्या बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज ग्रेचुअलिटी कौन से सेक्शन में कवर है सेक्शन टेन सेक्शन टेन के अंदर ठीक है अब सबसे पहले अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ग्रेचुअलिटी के पैसे मिले रिटायरमेंट के बाद अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ग्रेचुअलिटी के पैसे मिले तो आपको याद रखना है फुल्ली एग्जेप है मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कितनी भी ग्रेचुईिटी रिटायरमेंट के बाद मिलेगी तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा वो आपको ध्यान रखना है लेकिन अगर प्राइवेट एम्प्लॉय को ग्रेचुअटी मिली तो क्या होगा अगर प्राइवेट एम्प्लॉय को ग्रेचुईटी मिली तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा फिर टैक्सीबिलिटी है लेकिन उसके लिए एग्जिमिशन्स दिए है तो अगर प्राइवेट एम्प्लॉय को ग्रेचुईटी मिली तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है उसमें दो चीज़ें हैं एक तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुअटीज़ एक्ट एप्लीकेबल और दूसरा पेमेंट ऑफ ग्रेच्यूरिटी एक्ट नॉन एप्लीकेबल मैंने दोनों चीजें डाली है सिर्फ आप उसमें एक ही चीज याद रखो फिलहाल आपके लेवल पे कैलकुलेशन जो आने वाले हैं कि प्राइवेट वाला जो बंदा है उसको मैक्सिमम ग्रेच्यूरिटी एग्जेम्ट होगी ट्वेंटी लैक्स तक तो प्राइवेट का जो इंडिविजुअल है उसको ट्वेंटी लैक्स ,00 तक ही ग्रेचुअलिटी एग्जाम होगी बाकी आपको ज्यादा चीज़ें इसमें कैलकुलेशन में नहीं आएगी मैंने इसमें डाल दिया है आप उसके बेसिस पे पढ़ सकते हो लेकिन प्राइवेट का जो इंडिविजुअल है उसके लिए ट्वेंटी लैक्स ,00 की लिमिट फर्दर आगे बढ़ते हैं सेक्शन टेन टेन ए पेंशन का ठीक है पेंशन में दो टाइप के पेंशन आते हैं एक होता है आपका अनकम्यूटेड यहाँ पे मैंने लिखा है अनकम्यूटेड और दूसरा होता है हमारा कम्यूटेड पेंशन ठीक है अनकम्यूटेड का मतलब होता है अनकम्यूटेड का मतलब होता है मंथली पेंशन जिसको हम पीरियोडिकल पेंशन भी बोलते हैं तो अनकम्यूटेड इज द मंथली पेंशन या पीरियोडिकल पेंशन अनकम्यूटेड पेंशन दोनों के लिए टैक्सेबल होगा चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो लेकिन अगर कम्यूटेड पेंशन की बात करें तो कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पूरा एक्सेंट रहेगा मैंने अगर प्राइवेट इंडिविजुअल रहा प्राइवेट एम्प्लॉय रहा और उसको अगर ग्रेचुअटी मिलती होगी तो वन थर्ड एक्जेंट हो जाएगा और उसे अगर ग्रेचुअटी नहीं मिली होगी रिटायरमेंट के बाद तो हाफ एक्ज हो जाएगा ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है तो मैंने डाला है फिर लीव सैलरी एक एक्स्ट्रा सेक्शन डाल के रखा है लीव सैलरी में फिलहाल आपको सिर्फ लिमिट याद रखनी है कि लीव सैलरी में कितनी रूपीस थ्री लैक्स का एग्जेपन है बस इतना ही याद रखो ज्यादा कुछ उसमें याद रखने की आपको जरूरत नहीं है ठीक है टेन टेन बी रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है जॉब से निकाल दिया फिर उस टाइम पे कॉम्पनसेशन दिया अभी आपने देखा होगा पैंडेमिक कोरोना वायरस की सिचुएशन में बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाला गया है तो ऐसे केस में रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन जितना भी मिलेगा तो उसके लिए भी आपको लिमिट याद रखनी है और लिमिट कितनी है ऐसे केस में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स वगैरह कुछ हुए तो लिमिट कितनी है रिट्रेंचमेंट में फाइव लाख रुपीज की लिमिट है यही आपको याद रखनी है. फिर टेंडेंसी वी आर एस लेते हैं कोई कोई वी आर एस इज वर्ड वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम रिटायरमेंट स्कीम उसका भी लिमिट लिमिट आपको याद रखना है दैट इज इज कॉल्ड एज फिर मैंने कुछ एक्स्ट्रा सेक्शन यहाँ पे डाल के रखे दैट इज जस्ट फॉर योर रीडिंग पर्पज फर्दर हम आगे बढ़ते हैं अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अलाउंसेस ध्यान रखना इसका कुछ एब्रीवेशन मैंने बनाया है जो एब्रीवेशन से आप इसको याद रख सकते हैं अलाउंसेस क्या होते हैं सैलरी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी हमको एम्प्लॉयर देता है पैसे देके जैसे ट्रैवलिंग फैसिलिटी है तो ट्रैवलिंग अलाउंस बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और यही पे आपके याद रह जाएंगे इसी के बेसिस पे मैंने कोड लाए सबसे पहला है टैक्सेबल अलाउंस ठीक है तो ये आपके पास टैक्सेबल अलाउंस अवेलेबल है तो टैक्सेबल अलाउंस में देखो कौन से कौन से है इयरनेस अलाउंस एंटरटेनमेंट अलाउंस सिटी कॉम्पनसिटरी मेडिकल अलाउंस लंच अलाउंस एनी अदर अलाउंस सर्वेंट अलाउंस वार्डन बहुत सारे तो इसको ना एक एब्रीवेशन से, से याद रखना एक निमोनिक से याद रखना डिसम्बर याद रखना है आपको डिसम्बर फिर आपको याद रखना है एम फिर आपको याद रखना है स्वॉट ठीक है कैसे याद रखना है डिसम्बर के महीने में डिसम्बर के मंथ में एम का स्वॉट एनालिसिस हुआ

जो होते तो ऑफिस के हैं लेकिन वो पार्टली टैक्सेबल होते हैं पार्टली एग्जेप्ट होते हैं क्या होते हैं पार्टली टैक्सेबल होते हैं पार्टली एग्जैम्ट होते हैं मतलब ऐसे अलाउंसेस जो ऑफिस पर्पसेस के लिए ही दिए जाते हैं लेकिन उसमें से कुछ पार्ट टैक्सेबल होगा और कुछ पार्ट आपका एग्जम्प्ट होगा तो इसके लिए कौन से कौन से हैं यूनिफॉर्म अलाउंस आप बोलेंगे अभी सर कितना इसमें से टैक्सेबल होगा कितना एग्जेप्ट होगा वो दिया जाएगा यूनिफॉर्म अलाउंस ट्रैवलिंग अलाउंस हेल्पर अलाउंस डेली अलाउंस एकेडमिक रिसर्च अलाउंस कन्वेंस तो इसको आपको क्या याद रखना इसके लिए कोड है ठीक है इसके लिए कोड क्या है मैंने एक एक एक-एक वर्ड लिया यूनियन टेरेटरी है दमन आप यूनियन टेरिटरी है दमन बोल सकते हो यूनियन टेरिटरी है दीव बोल सकते हो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली बोल सकते हो एनीथिंग यू कैन डू यूनियन टेरिटरी है दमन वहाँ के लोगों के घर में एसी है वहाँ पे सभी लोग एसी यूज़ करते हैं ठीक है यूनियन टेरिटरी है दमन वहाँ पे सभी लोगों के घर पर क्या है ए है तो ये आपके अलाउंसेस आपको याद रह जाएंगे दैट इज़ पार्टली टैक्सेबल ऑफिस फिर अगले पॉइंट में हम जाते हैं पार्टली टैक्सेबल पर्सनल अब पार्टली टैक्सेबल पर्सनल मतलब ऐसे जो पर्सनल पर्पसेस के लिए दिए लेकिन उसमें से कुछ पार्ट टैक्सेबल हो जाएगा कुछ पार्ट एग्जाम हो जाएगा जैसे ऑफिस का था वैसे ही है ठीक है तो ये हमारे अलाउंसेस है तो ये सिंपल है इसमें आपको लिमिट याद रखनी है चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऐसे तो चिल्ड्रेन हॉस्टल एक्सपेंस की बात करें तो तीन सौ पर मंथ पर चाइल्ड दो चिल्ड्रन तक मतलब तीन सौ रुपया पर मंथ एग्जेम्ट होगा एक चाइल्ड का तीन सौ रुपया दो चाइल्ड का छः सौ रुपया ठीक है ट्रांसपोर्ट अलाउंस सिक्सटीन हंड्रेड पर मंथ एग्जेम्ट होगा अगर कोई हैंडी कैप है तो तीन हजार दो सौ हो जाएगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हंड्रेड पर मंथ सेम फॉर टू चिल्ड्रन हॉस्टल में तीन सौ है और एजुकेशन में सौ रुपया पर मंथ दो चिल्ड्रन के लिए इसके लिए आपको क्या याद रखना है इसके लिए आपको याद रखना है हाई टेक केयर ठीक है क्या करना है याद हाई टेक केयर एच से क्या है हॉस्टल अलाउंस टी से क्या है ट्रांसपोर्ट अलाउंस और सी से क्या है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस तो इस बेसिस पे आप याद रखो दैट विल बी वेरी मच इजियर फॉर ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर दी अलाउंसेस और ये अलाउंसेस से काफी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते वक्त जो क्वेश्चन होंगे उसमें काफी सारी चीजें इससे रिलेट करेगी आई होप कि आपका एब्रीवेशन इससे क्लियर हुआ है और आज के लास्ट पार्ट में जाते हैं विच इज कॉल्ड एज परक्विजिट्स

सेक्शन में हमने क्या पढ़ा सिक्सटीन सेक्शन में हमने पढ़ा सैलरी चैप्टर के डिडक्शन तो सिक्सटीन वन था एक उसमें फिर सिक्सटीन टू था उसमें और सिक्सटीन थ्री था उसमें ठीक है तो पहला कौन सा था स्टैंडर्ड डिडक्शन ग्रॉस सैलरी और फिफ्टी थाउजेंड विच ऐर इज़ लेस फिर सेकेंड कौन सा था हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंस जो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है तीन रूल्स के बेसिस पे एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड वन फिफ्थ ऑफ बेसिक सैलरी एंड रुपीज फाइव थाउजेंड विच ऐवर इज लेस तीसरा कौन सा था हमारा दैट वॉज प्रोफेशन टैक्स ठीक है फिर सेक्शन सेवेंटीन में हम आए सेवेंटीन सेक्शन क्या बोलता है सेवनटीन सेक्शन में परक्विजिट्स विजिट कवर होगा सेवनटीन टू और आपके प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी जो मैंने आपको बताया कि रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे रिटायरमेंट के बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारी चीजें वहां पे कवर हो जाएगी ठीक है यही था हमारा आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा है अगर आपको इसमें से कुछ समझ में आया है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लो और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना सबसे पहले और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स डाले हैं तो टेलीग्राम में ज्वाइंट हो जाना इसका पीडीएफ मैं वहीं पे शेयर करूंगा तो आपको इसकी पीडीएफ्स भी वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे और हर वीडियो का अपडेट्स वहां पे भी आपको मिलते रहेगा टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर